दलीप ट्रॉफी 2024 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली है रियान पराग के करियर के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दलीप ट्रॉफी 2024 की शुरुआत हो जाएगी, जिसका आगाज 5 सितंबर से किया जाएगा। सभी मेन स्ट्रीम खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है। सभी खिलाड़ियों को 4 के टीम्स में डिवाइड करा गया है। टीम ए के कप्तान शुभमन गिल, टीम बी के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, टीम सी के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़ और टीम डी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे श्रेयस अय्यर। सभी मेन स्ट्रीम खिलाड़ी आपको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित, विराट और जसप्रीत बुमराह के अलावा हर खिलाड़ी आपको यहां पर नजर आने वाला है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, शिवम दुबे हो, या श्रेयस अय्यर हो, या ऋतुराज गायकवाड़ हो। लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। लगभग 36 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया है और 4 के टीम्स में डिवाइड करा गया है। बैंगलोर में मैचेस खेले जाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी मैचेस खेले जाएंगे। ऑल इन ऑल एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक ये टूर्नामेंट होने वाला है और 19 तारीख से जो बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हो रही है उस लिहाज से भी ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहां पर जो स्क्वाड का ऐलान होगा, स्क्वाड का चयन होगा, वो इसी बेसिस से होगा कि आप दलीप ट्रॉफी में क्या कुछ परफॉर्म करते हैं। और बांग्लादेश की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। एशियन पिचेस में आप खेलेंगे, एशियन कंडीशंस में खेलेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि टीम इंडिया का हाथ एशियन पिचेस में जो है कितना ज्यादा तंग है। और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट। अभी जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, उस मुकाबले में भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की टीम ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया था। तो बांग्लादेश को भी आप हल्के में नहीं आंक सकते, इसीलिए टीम इंडिया को थोड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, खास करके रियान पराग को, जिनका एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है करियर का। क्योंकि देखिए, ओडीआईज में उन्होंने डेब्यू कर लिया, टी20 में उन्होंने डेब्यू कर लिया। अब एक फॉर्मेट ऐसा है जिसमें उन्होंने डेब्यू नहीं करा है, जो कि है टेस्ट फॉर्मेट। अब टेस्ट फॉर्मेट में अगर डेब्यू करना है तो दलीप ट्रॉफी में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब दलीप ट्रॉफी में कैसे परफॉर्म करेंगे? वो ऐसे परफॉर्म करेंगे कि बैटिंग में खास तौर पर उनको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि नो डाउट एक गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, वो गेंदबाजी में काफ़ी दमखम दिखाते हैं। आपने देखा होगा अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ हो गया या श्रीलंका के खिलाफ हो गया, गेंदबाजी जो है नो डाउट काफ़ी बेहतरीन करते हैं, बट पेच फंस रहा है बल्लेबाजी का। और टीम इंडिया के पास गेंदबाजी में बहुत विकल्प है, टीम इंडिया को एक बेहतरीन बल्लेबाज की ज़रूरत है। तो अगर आप टीम इंडिया को वो दे नहीं पाएंगे, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ की दरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा है, तो टीम में आप नहीं रह पाएंगे। इसीलिए रियान पराग को अभी बॉलिंग थोड़ा सा छोड़ के बैटिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग उनकी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। हालांकि आईपीएल 2024 में आपने उनका प्रदर्शन देखा होगा, विद द बैट कमाल किया था, लेकिन बैटिंग में जब से वो टीम इंडिया में उनका पदार्पण हुआ है टी20 फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में, बैटिंग जो है थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, पेच फंस रहा है बैटिंग में। और टीम इंडिया को अभी बैटर्स की बहुत ज्यादा दरकार है। आपने देखा होगा अभी श्रीलंका वाले मुकाबले में, श्रीलंका के खिलाफ वाले मुकाबले में नंबर 8 नंबर 9 तक हमने बैटिंग खिलाई थी। वो इसलिए खिलाई थी क्योंकि हम सबको पता है कि बैटिंग में हमारा पेच बहुत ज़्यादा फंसता है, कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए बैटर चाहिए टीम इंडिया को अभी ज़्यादा, गेंदबाज हमारे पास नो डाउट है अभी। इसीलिए रियान पराग के लिए ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यहां से अगर निखर गए तो मौका मिल जाएगा टीम इंडिया में, यहां से अगर बिखर गए तो टाडा बाय बाय हो सकता है। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग उम्मीदों के अनुसार परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।